भले ही योगी सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर रही हो, लेकिन आए दिन हो रहे महिलाओं पर अपराध के बाद इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा मामला मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गांव से निकलकर सामने आया है, जहां पड़ोसी के घर टीवी देखने जा रही 11 वर्षीय नाबालिग को साथ रास्ते से खींचकर बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला किशनी थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो बीती 27 तारीख को पड़ोस में टीवी देखने के कहकर घर से निकली थी। वह पड़ोसी के घर टीवी देखने चली गई, तभी पड़ोसी आरोपी युवक ने पीड़िता का मुंह बंद कर तमंचे का भय दिखाकर घर के कमरे में खींचकर बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे डाला। घटना के बाद नाबालिग पीड़िता को आरोपी तमंचे का भय दिखाकर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता की हालत खराब हो जाने पर पीड़ित परिवार ने उसे डॉक्टर को दिखाया, जहां होश आने पर पीड़िता ने अपने साथ हुई बलात्कार जैसी बर्बरता की कहानी की आप बीती परिजनों को सुनाई। बच्ची के साथ हुई घटना से परिजनों के होश उड़ गए। फिलहाल पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। आप थाने बेटी को लेकर आए हैं, क्या मामला था? उसका रेप हुआ। किसने किया, कौन था आरोपी? गोविंद निरंजन का लड़का। क्या मामला हुआ था? वो खेल रही थी लड़की, टीवी देखने गई, वहीं किया और मुंह चिल्लाई तो मुंह दबाया, कट्टा दिखाया और धमकी दी कि अगर घर बताया तो मार देंगे। आप पुलिस में आए हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कर रही है, पता नहीं क्या अंदर कर रही है, रिपोर्ट लिख ली गई। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ? टीवी देखने जा रहे थे, फिर वो भी चला हुआ था, कहीं गलत काम हुआ तो कह रहे थे कट्टा तो उड़ा दिए और उसका घर बता दें, मम्मी पापा को मार देंगे और अम्मा को मार देंगे, बाबा को मार देंगे, सब मार देंगे। टीवी देखने जा रहे थे, उनकी मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, सुनो टीवी देख रहे थे, अम्मा उनके सामने कर रही थी। आप थाने आई हैं, आपका मुकदमा दर्ज हुआ अभी? अभी कभी नहीं हुआ। दुष्कर्म का मामला आया है, क्या है मामला? थाना किशनी क्षेत्र के गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें भी रवाना हो गई, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा।